दोस्तों का स्पैनो फ्रेशिंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले WWE से रिलेटेड कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में, जो कि कुछ इस तरीके की होने वाली है। जॉन सीना और अंडरटेकर का मैच हुआ टीज, इसके अलावा समरस्लैम का एक बड़ा टाइटल मैच का रिजल्ट हुआ लीक, इसके अलावा जॉन सीना का अपोनेंट कंफर्म हो चुका है फॉर सुपर शो। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो इस पहले आ जाते हैं जॉन सीना और अंडरटेकर के मैच के ऊपर जो टीज हुआ है। हमने रसल में 34 मैन का मैच देखा था, वो काफ़ी छोटा मैच था और उस मैच में डोमिनेट करा था अंडरटेकर ने। उसके बाद से पब्लिक को इंतजार है इनका रीमैच कब होगा। हाल ही में इनके रीमैच को एक टीज करा है और वो करा है अंडरटेकर ने। अंडरटेकर ने अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो डाली है जो रसल में 34 के मैच की, जॉन सीना अंडरटेकर का जब मैच चल रहा था। तो इससे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि एक तरीके से अंडरटेकर ये टीज कर रहे हैं कि उनका और जॉन सीना का रीमैच होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि है एक बड़ा समर स्लैम का रिजल्ट हुआ लीग चैंपियनशिप मैच का। वो और कोई नहीं, रोंडा राउजी वर्सेस एलेक्सा ब्लिस के मैच का है। इसको WWE ने लीक नहीं करा, बल्कि एक लोकल एडवर्टाइजर से एक फ़ोटो लीक हो गई थी जो WWE के लाइव इवेंट के, जो कि समर स्लैम के बाद होने वाला है, उसमें रोंडा राउजी एज अ चैम्पियन एडवर्टाइज की गई थी। तो इससे धड़कम मच गया कि अब ये क्या बात हो गई, रोंडा राउजी एज अ चैम्पियन। अब देखने वाला नतीजा ये होगा कि मैच का नतीजा क्या आता है। चलते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की ओर, जो कि है जॉन सीना का अपोनेंट कंफर्म हो चुका है फॉर सुपर शो। तो गाइस मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में WWE सुपर शो ऑर्गेनाइज करवा रही है। ये भी ग्रेटेस्ट रोयल रंबल के टाइप का बड़ा शो होगा और इसमें अभी तक कोई मैच का अनाउंसमेंट नहीं हुई, पर अब हो चुकी है और ये मैच और किसी का नहीं, 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन सी नेशन लीडर जॉन सीना का मैच है और इनका अपोनेंट होने वाले हैं केविन ओवेंस। मैं तो चाहता था केविन ओवेंस की जगह कोई और बड़ा रेसलर हो, जैसे ट्रिपल एच, अंडरटेकर या ब्रॉक लेसनर टाइप, पर केविन ओवेंस हुआ है। पर हालांकि फाइनली हमें जॉन सीना का एक मैच तो देखने को मिलेगा इन रिंग में। तो गाइस आज की वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।